अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, शादोबाद रखे, और आप जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। तो व्यूवर्स, व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके तावन से ही मेरा चैनल ग्रोथ करेगा। तो व्यूवर्स, आज है संडे और इस वक्त टाइम हुआ है तकरीबन 9:30 का, और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। बना रही हूँ मैं, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ, और जनाब नाश्ते में मैं चाय वाली सोया बना रही हूँ। और ये पानी रखा है मैंने कहवे के लिए, और इसमें डालूँगी मैं पत्ती और कहवा बनाऊँगी, और फिर बनाऊँगी मैं सोया बनाऊँगी मैं अपने हस्बैंड के लिए। आज संडे है और सबसे पहले नाश्ता मैं उनके लिए ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे सोए हुए हैं, छुट्टी है उनकी और वो सोए हुए हैं, अभी वो उठेंगे लेट, और उनके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ चाय वाली सेवइयां। तो ये कहवा हमारा तकरीबन बन गया है, अच्छे तरीके से इसको हमने पकाना है। हमने निकाली है सोयां बीच में डालने के लिए, अभी हमारी चाय बनती है तो फिर हम इसमें डालते हैं सोयां, और उतनी देर तक आपसे करते हैं हम बातें। तो मैं आपको बताऊंगी, आप सोच रहे होंगे कि आप लोग सोयां बहुत ज़्यादा पकाते हैं, तो जनाब वाकई हम सोयां बना लेते हैं सुबह के नाश्ते में। किसी वक्त अगर रोटी खाने का ना दिल चाहे सुबह, तो फिर हम सोयां ही बना लेते हैं, चाय वालियाँ या दूध वाले भी बना लेते हैं, क्योंकि ये हम सबको बहुत पसंद है और शुरू से ही हमें पसंद है। तो इसलिए हम ना ये सर्दियों में या गर्मियों में जब भी दिल चाहे तो हम ये बना लेते हैं, और इसके नाश्ते का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, चाय वाले सेवइयों का तो ज़्यादा ही मज़ा आता है, तो इसलिए ना ये हम बना लेते हैं। तो ये चाय हमारी बन गई है, और अब मैं इसमें डालती हूँ सेवइयां। इसमें मैंने चीनी वगैरह डाली है, चीनी डाली है, और चुटकी सा मैंने इसमें नमक डाला है, और एक इलायची डाली है। इलायची के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सेवइयों का। और सुनाए जनाब, और क्या हाल चाल है आपके? आप सब लोग आप ठीक ठाक है ना? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ठीक ठाक रखे और ज़िंदगी दे। तो जनाब आजकल जो वबा फैली हुई है, ये वबा क्या बल्कि ये इतना ज़्यादा बच्चे अगवा हो रहे हैं हर जगह, इन लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आती, गरीब लोगों के मासूम बच्चे ये अगवा करते हैं और उनको मारते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को गारत करे, अल्लाह ताला इनकी कभी बख्शिश ना करे, इतने जालिम लोग हैं ये मासूम लोगों का ये फ़ायदा उठाते हैं, उनको अगवा करते हैं। अब देखें, अब गली मोहल्ले में जाएं तो गली ऐसे सुनसान होती है, कोई बच्चा डर की वजह से नज़र नहीं आता, तो अल्लाह ताला नज़र नहीं आता, तो अल्लाह ताला इन लोगों से हम सबको, सब बच्चों को महफूज रखे, और किसी माँ बाप को भी कोई ये दुख वगैरह ना मिले। अल्लाह ताला सब के ऊपर अपना रहम करे और इन लोगों को गारत करे ना। तो ये प्याला मैंने निकाल लिया है, तो इसमें मैं सोया डालूंगी और अपने हस्बैंड को देके आऊंगी, क्योंकि मुझे ही जाना पड़ेगा, बच्चे तो सोए हुए हैं, न जाने वो कब उठे। तो व्यूअर्स, मैं नाश्ता देके आ चुकी हूँ, और अब मैं खुद नाश्ता करूँगी,
तो लेकिन आपके जहन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि अरे क्या आपने हर वक्त यही दुपट्टा लिया होता है, सूट कोई सा भी पहना हो लेकिन दुपट्टा यही लिया होता है। और मैं आपको बता दूं कि वाकई मैंने दुपट्टा यही लिया होता है, क्योंकि इस दुपट्टे से ना मुझे प्यार ही बहुत है। ये बहुत अच्छा दुपट्टा है, नरम और मुलायम सा। और वाकई मैंने कभी कोई सूट कोई भी पहना हो ना, लेकिन घर में मैं दुपट्टा यही लेती हूँ। मुझे ये दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इतना ये सॉफ्ट है और बहुत नरम है, और इसको लेने का मज़ा ही बहुत आता है। इसको जहाँ खड़ा करें ना ये हो जाता है, लेकिन दूसरे दुपट्टे हैं ना कभी उतर जाते हैं ये वो, तो इसलिए मुझे ये दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ये इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो जनाब ये आज की जो वीडियो है ना, ये छोटी सी वीडियो ही मैंने डालनी है, क्योंकि आज मेरी भाभी जो है ना वो आ गई हुई हैं अपने घर में। वो हमारी जो बच्ची फोत हो गई थी मिर्हा, तो मेरी भाभी अभी उधर ही थी अपने बेटी की ससुराल में, तो अब घर आ गई हैं और मैंने जाना है उनके पास अफसोस करने के लिए। तो अभी मैं सबसे पहले ये नाश्ता करूँगी और फिर मैं उधर जाऊँगी। और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग अपने दिल में दूसरों के लिए अच्छी बात ही सोचा कीजिए। सब लोग अच्छे होते हैं, हर इंसान में हामी होती है, लेकिन दूसरों के बारे में अच्छा तासर कायम करना अच्छी बात है, और अच्छा सोचना किसी के लिए ये भी एक नेकी है। तो जनाब मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।